अपना दल एस के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल पर 23 अगस्त सन 1999 को इलाहाबाद के पीडी पार्क में एक सभा के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्वक अत्याचार को लेकर पार्टी हर वर्ष 23 अगस्त के दिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाती है, जिसके तहत आज सिद्धार्थनगर में अपना दल एस युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी के नेतृत्व में जनपद मुख्यालय से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। वहीं अपना दल एस युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कहा कि 23 अगस्त सन 1999 को दल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इलाहाबाद के पीडी पार्क में एक सभा कर रहे थे और उस सभा में अचानक पुलिस वालों को खुराफात सूझी और वो वहां आकर स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के ऊपर लाठियों से हमला करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 300 राउंड गोलियां भी चलाईं, जिसमें हमारे बहुत से कार्यकर्ता भी घायल हो गए। स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पसलियों को तोड़ दिया गया और साथ ही पूरे शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर भी हो गए। इसलिए उस दिन को हम हर साल क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को याद करते हैं। क्रांति यात्रा हम लोग हर साल मनाते हैं। 23 अगस्त सन 1999 को दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इलाहाबाद के पीडी पार्क में जो है एक सभा कर रहे थे। उस सभा में अचानक पुलिस वालों को कुछ खुराफात सूझा और वो आकर वहाँ पे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के ऊपर लाठियों से हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने लगभग 300 राउंड गोलियाँ भी चलाईं, जिसमें हमारे बहुत से कार्यकर्ता घायल भी हुए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पसलियों को तोड़ दिया गया, पूरे शरीर में अनगिनत फ्रैक्चर हो गए। इसलिए उस दिन को हम लोग हर साल क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को याद करते हैं। उनके ऊपर जो यातना हुई थी उस दिन, उस यातना को हम लोग याद करके आज के दिन क्रांति दिवस मनाते हैं। इस दौरान आज आप लोगों ने क्या किया? आज हमारे जनपद के सारे कार्यकर्ता, अपना दल एस के जितने भी कार्यकर्ता थे, सारे लोग जिले पे एकत्रित हुए हैं और उस दिन को याद करते हुए पूरे जनपद का मुख्यालय का जो है एक चक्कर हम लोग लगा के उनको याद करते हुए इस पार्क में एकत्रित हुए हैं।